आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रसन्न मैम को दिया हुआ है, एक निष्कर्ष के बाद तीन कथन है, एक और दूसरा और तीसरा दिए गए हैं। ठीक है, दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा सही है। ठीक है, निष्कर्ष दिया हमको, अनेक नशेखोरों को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, यह हमें कथन दिया हुआ है, इसका दिया है हमें कथन का निष्कर्ष का। अब कथन दिए हुए हैं इसके हमें, एक नशीले पदार्थों का सेवन करना अपराध है, और जो कथन दूसरा दिया, जो व्यक्ति अपराध करता है उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, और विकल्प नंबर तीन, और जो तीन दिया कथन नंबर हमें, अनेक लोग नियमित रूप से नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। ठीक है, विकल्प दिया हमको एक, सभी तीनों कथनों को मिलाकर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, विकल्प दिया हमको दो, केवल पहला और दूसरा कथन से ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। विकल्प नंबर तीन, केवल दूसरा और तीसरा कथन से ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। विकल्प नंबर चार, निष्कर्ष निकालने के लिए डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, अब इस प्रश्न में हमको जो निष्कर्ष दिया है, ये अनेक नशेखोरों को गिरफ्तार किया गया है, तो हमको पता है जो नशेखोर होते हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, इसलिए किया गया है क्योंकि नशा करना एक अपराध है। तो इसका कथन दिया हुआ हमको एक, कथन में दिया हुआ नशीली पदार्थों का सेवन करना अपराध है, तो ये हमारा एक अपराध है, ये कानूनी अपराध है, कानूनी अपराध है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नशीली पदार्थों का सेवन करना कानूनी अपराध है, कानून में एक ये अपराध में कानून है। ठीक है, हमारे संविधान में ये कानून है, कानून इसको अपराध मानता है, और जो व्यक्ति अपराध करता है उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। जो मतलब जो अपराध करेगा, अपराध मतलब नशेखोरी करेगा, मतलब नशीली पदार्थों का सेवन करेगा, तो वो अपराध ही है, उसे गिरफ्तारी किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये कैसे, जो अपराध करेगा गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है अनेक लोग नियमित रूप से नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, कोई नशीली पदार्थों को जो नियमित रूप से सेवन कर रहे हैं वो एक अपराधी तो कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये अपराधी तो अपराध कर रहे हैं, अपराध में आता है, अपराध करा जाएगा तो गिरफ्तार होगा, अपराध अपराध कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नशीली पदार्थों को सेवन करना एक अपराध है, तो इससे हमें पता चल गया हमारा, ये तीनों को मिलाकर ये हमारा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, तीनों उसको इसको हम निकाल सकते हैं, तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प एक, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।